नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी ललिता की जुबानी में। हमारी आज की कहानी कागज के फूल, एक अम्मा की कहानी है ये दोस्तों। चलो कहानी सुनते हैं। आज जैसे ही सुबह की चाय लेकर मैं छत पर गई तो वहां पहुंचते ही तेज अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ठीक से सुना और बगल वाली अम्मा के घर से बाहर उमड़ी भीड़ से सब हाल कह दिया। मैं समझ गई कि वह अम्मा ही है जो मुद्दतों से अकेले रह रही थी। वह आज भीड़ से घिरी हुई अंतिम सफर को निकल चुकी थी। जैसे तैसे चाय खत्म कर अम्मा के घर चल दी और वहाँ वहीं सब देखकर हृदय भर आया कि आखिर इंसान समय रहते क्यों नहीं चेत पाता। खैर, वहाँ से लौट आई, नहा धोकर, बच्चों को स्कूल भेजकर, पति को ऑफिस भेजकर एक कप चाय लेकर बैठ गई और अम्मा की पुरानी बातों में याद करके रहने लगी। अम्मा का भरा पूरा परिवार था, पति, दो लड़के, बहू, दो बेटी, दामाद, नाते, पोती। यहाँ इस घर में अम्मा सालों से अकेले रह रही थी। उनके बेटे बहू ने नौकर चाकर और सभी व्यवस्थाएं कर रखी थी, लेकिन अम्मा को कोई तकलीफ न हो बस इसी कारण वे उनके साथ नहीं रहना चाहते थे। नै, कहीं आप तो वही नहीं सोच रहे जो सबसे पहले मैं जब अम्मा से मिली थी तब देखकर सोच रही थी कि बेटा, बहू और दामाद सब कितने निर्दयी हैं जो कि अम्मा के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सुनिए अम्मा की कहानी जो उन्होंने मुझे स्वयं सुनाई थी। बेटा, आज जितनी अकेली मैं तुम्हें दिख रही हूँ उतनी ही मैं सबके साथ रहकर भी अकेली रहती थी। वो कैसे अम्मा? मैंने उत्सुकता वंश पूछा। अरे बेटा, मेरा बड़ा ही प्यारा सा परिवार था। पति, बच्चे, सास ससुर सभी तो थे। सभी बड़े अच्छे और एक दूसरे का ख्याल रखने वाले लोग थे, पर मैं ही इनके साथ सामंजस्य न बिठा पाई। सबको अपने हिसाब से चलाना चाहा, सभी को एक न एक दिखने वाले कैद खाने में कैद करना चाहा। सभी से बस अपने लिए प्रेम, आदर और परवाह की चाहत ने मुझे सभी से दूर कर दिया। ऐसा नहीं है कि मुझे ये सब मिल न पाया हो, लेकिन सभी मुझसे किसी न किसी रूप में डर कर, कभी मजबूरी में और कभी दयावश बात कर पाते थे। ये लोगों का आना जाना मुझे पसंद नहीं आता था। घर पर काम के सभी नौकरों से करवाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। नौकरों के ढेर लग गए पर घर के परिवार के लोग हमसे अंदर भीतरी रूप से दूर होते गए। मैं समझ ही नहीं पाई कि लोगों के दिल तक पहुंचने के लिए उनके करीब रहना, उनके छोटे मोटे काम करना अपने हाथों से करना, कभी बच्चों के बालों को सहलाना, कभी घर के बुजुर्गों के पाँव के तेल लगा देना कितना ज़रूरी था। ऐसा नहीं है कि मैंने ये सब किया ही न हो। वो कहते हैं ना कि कागज़ के फूल से खुशबू थोड़ी न आ सकती है। वैसे ही मैंने एक ड्यूटी समझकर एक मशीनी अंदाज में किए गए कार्यों का कोई मतलब ही न रह गया था। मैं हर काम को बड़े गुस्से में चिड़चिड़ाकर कर देती थी, जिसमें कहीं पर भी कोई अपनेपन की किसी तरह से कोई फीलिंग महसूस नहीं होती थी। कोई भी मुझे भीतर से अच्छा या बड़ा महसूस नहीं होता था। इसके बावजूद भी सभी मेरा ख्याल भी रखते थे, लेकिन सास ससुर का जो अपने से बड़ों के साथ और बच्चों का अपने पापा के साथ जो एक निश्चितता और खुलेपन का भाव रहता था, वह मुझे मेरे साथ कभी भी नज़र नहीं आया था, क्योंकि मेरा स्वभाव बड़ा ही रुख था। खैर, ऐसे ही मेरे सास ससुर विदा हो गए, बच्चे भी बड़े होकर अपने जीवन में व्यस्त हो गए, पति ने भी थक हार कर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। मैं अब अकेले ही पड़ गई थी और अपने अकेलेपन के भीतर ही भीतर तोड़ती जा रही थी। मैंने परिवार के धर्म को नहीं निभाया, मेरे स्वभाव के कारण सभी मुझसे कतराने लगे। अब सभी मेरे प्रति अपनी ड्यूटी तो निभाते, मगर मैं उनसे फीलिंग तराशती थी जो मुझे महसूस नहीं हो पाती थी। मैं चिढ़कर अलग अकेले रहने लगी और तब से आज तक मैं अपना हरा भरा बगीचा छोड़कर यहाँ कागज़ के फूलों की
बस्ती में रह रही हूँ। बेटा, तुम लोग ऐसी गलती कभी मत करना। परिवार प्रेम और अपनेपन से ही चलता है। हमेशा दूसरों के लिए जीने का प्रयास करना चाहिए, लोगों में प्यार बांटना चाहिए, न कि भिखारी बनकर मांगना चाहिए। ध्यान रखो, पैसे और नौकर चाकर से खुशी नहीं मिल सकती, लेकिन किसी के लिए किए गए छोटे से काम से हमें और सामने वाले को कितनी खुशी हम लोग दे सकते हैं और ले सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। इतना कहकर अम्मा भरभराकर रो पड़ी। अम्मा, अब आप सबके साथ क्यों नहीं चली जाती, जब आपको अपनी गलती समझ में आ रही ही है? मैंने ऐसे पूछा। न बिटिया, यही मेरा प्राश्चित है और यही मेरा पश्चाताप है, जो मैंने कीमती लोगों की कदर नहीं की, वह तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। यह कहकर अम्मा उठकर भीतर चल दी और कुछ दिन के बाद ही अपना प्राश्चित पूरा कर अंतिम समय बड़े परिवार में शामिल होने के लिए निकल पड़ी। आज अम्मा के घर से खुशबू आ रही थी, मगर आज लगता था कि असली महक ये है, क्योंकि कागजी फूल अम्मा के पश्चाताप के आंसुओं से गल चुके थे। बूढ़ी अम्मा के जीवन की यात्रा काल समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उसके परिवार के लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। तो दोस्तों, हमें भी कभी कभी अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। हमें भी सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, दूसरों की फीलिंग्स को समझना चाहिए, बड़े बूढ़ों को भी अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए, जिससे कि परिवार के अंदर सामंजस्य बना रहे। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।